डियर गाइस, वेलकम टू शुअर पाठशाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल शुअर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अपना चर्चा कर रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन की, फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन, उससे आगे आज हम देखेंगे। देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक दिया है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो गाइस आप जानते हैं जब भी इसमें से रेशियो में घटाया जाता है तो एक ही एचसीएफ होता है समान। तो मैंने लिखा 17:19 में से एक्स घटा दो आप, तो आपका जो रेशियो बन जाएगा 5/7। आप इसे क्रॉस गुणा करेंगे, करते हैं गाइस, तो आप करेंगे -7x95 -5x। सॉल्व करेंगे तो इधर लाएंगे 1/9 -95 = 2x, आपका बचेगा 24। तो यहाँ पे आ गया x = 12। इसको प्रोसेस इस तरीके से कर सकते हैं, बट हमें शॉर्ट करना है तो आप जानते हो बाई ऑप्शन मेथड क्या होता है। a बराबर इसने दे दिया 14, b = 12, c = 15, d = 18। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन डालूंगा, मुझे सी में ऑप्शन डालना है। तो मैंने मान लो ऑप्शन 14 डाला, 17 में से 14 गया 3 नहीं बना, तुरंत ऑप्शन जैसे ही मैं डालूंगा 12, 17 में से 12 गया 5, 19 में से 12 गया 7, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है 3:5 के प्रभेद पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखेंगे गाइस 3/5 + x मान लो जोड़ दिया मैंने, तो अनुपात क्या होना चाहिए 2:3। इसको क्रॉस बड़ा करेंगे तो 9+3x = 10+2x। आप इधर जाएंगे तो x = 1। इसको भी बाय ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन मेथड मान लो मैंने दिया है x = 1 x = 2 x = 5 x = 6, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो देखेंगे अगर मैं x = 2 डालता हूँ तो यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं बनेगा। x = 1 डालता हूँ तो 1 डालने से यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 = 6, 2 से काटोगे 2 2 = 4 2 3 = 6, यानी कि हमारा रेशियो जो लाना था वो सेम रेशियो बन गया। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। तो देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं में 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें से 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या याद करो 7:9 है। इस क्वेश्चन में समझने से पहले क्या है, अगर एग्जामिनर आपको अपनी कोई संख्या देता है तो आपको उस रेशियो में x से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि एग्जामिनर अपनी कोई संख्या नहीं देता है तो आप अपना एचसीएफ माइनस या प्लस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने अपनी संख्या दी है तो आप सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x 9x। अब उसने संख्या दी है अपनी 5 जोड़ दें तो 5 ऐड कर दिया, बराबर अनुपात हो जाता है 4:5। क्रॉस गुणा करेंगे इसका भी, 7×35x + 25 36x + 20, देंगे इधर तो ये आपका हो जाएगा x, इधर लाओगे तो 5, आंसर आ गया x = 5। 5 जोड़ने में से अनुपात ये आ जाएगा, क्या चेक कर लें इसको, बिल्कुल चेक करते हैं आप इसे। तो इसमें मान डाल दो x का, x = 5 डालोगे तो 35 + 5/45 + 5 कितना हो गया है 40, ये आपका हो गया 50, आ गया 4:5, यानी कि x का मान करेक्ट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो सबसे बड़ी संख्या याद करो। 3 नंबर दिए थे 10, 15, 24, मैंने बताया था अगर अनुपात दिया होता है तो ऐसे आपका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये अनुपात में है, 3 संख्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको अगर मैं संख्या बनाऊंगा तो बनाऊंगा 10x 15x 24x। अब तीनों का योग दे रखा है 98, तो आप तीनों को ऐड कर दो तो 10x + 15x
प्लस 24 एक्स बराबर 98। जब आप इसे ऐड करेंगे तो जाएगा 49x इज इक्वल टू 98, एक्स बराबर 2। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो संख्या बराबर ये संख्या, ये तो बताइए। तो 24 इंटू 2 आंसर आ गया आपका 48। ठीक है ना गाइस, देखेंगे इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 5:3। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब लड़के लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो जब शुरुआत में कितने बच्चे थे, 400, अब 400 को इस रेशियो में बांट दूं, यानी टोटल रेशियो कितना है, 8:8 बराबर 400 है, 1:50 बराबर 50 आ जाएगा। 50 जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बॉयज तो आ जाएंगे 250, गर्ल्स आ जाएंगी 150। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो भाई लड़कियों वाले खाने में लड़कियों को बढ़ाओ। इस क्लास में अगर 50 डाल देंगे तो लड़कियां 200 हो गई, इधर कितनी है 250 हुई। अब इसका अनुपात पूछा है, 50 से काटोगे 4 बार, ये कटेगा 5, तो नया अनुपात क्या आ गया, 5:4। यही पूछा था एग्जामिनर ने। देखेंगे गाइस, दिया है दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या याद करो। संख्याओं में अनुपात दिया है 3:2 और इनका योग, पहले तो ये अनुपात में है तो सबसे पहले संख्या बनाएंगे, संख्या रही होगी 3x और 2x, संख्या बराबर। अब कहा है इनका योग, तो आप योग करोगे तो 5x बराबर दिया है 150 के, तो यहां से मैक्स निकाल देंगे, एक्स बराबर आपको कितना आ जाएगा 30। तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा नंबर यही है, डाल दो 2 × 30 बराबर कितना आ गया 60। ये आपकी आ गई छोटी, बड़ी पूछता तो 3 × 30 बराबर आती 90। ये आपकी आ गई बड़ी, देखो इनका योग 150 बैठ रहा है, बिल्कुल सही आंसर इज करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि एक संख्या का फर्स्ट का 25% सेकंड के 20% के बराबर है, क्लियर है। तो अनुपात पूछा है 5 से 5 बार, 5 से काटा 4 बार, तो फर्स्ट अनुपात सेकंड पूछा है कि फर्स्ट संख्या और दूसरी का अनुपात क्या होगा। तो देखो पहली के सामने कौन सी है 4, दूसरी के सामने कौन सी है 5, आंसर आ गया 4:5। देखेंगे गाइस अगला क्वेश्चन। दिया है सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए, सोनी अनुपात मोनी अनुपात टोनी, इनको दिए हैं 2400 रुपए, किस अनुपात में दिए हैं, दिया है सोनी को दिए हैं 2:1, इसको 3:5, इसको 5:5। तो पूछा है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, तो आप देख रहे हो जिसका रेशियो बड़ा होता है उसको धन ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले इनका नंबर बनाएंगे, संख्या क्या होगी 2x 3x 5x बराबर 2400 निकालेंगे, तो कितना हुआ 10x बराबर x निकालेंगे तो x बराबर आपका आ गया 240। सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, तो 5 × 240 आंसर आ गया 1200 रुपए, सबसे ज्यादा। सबसे छोटा कुछ था तो 2 × 240 आ जाता आपका 480। ठीक है गाइस, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात वी जो दिया है 5:5 बी अनुपात सी दिया है आपको 3:2। तो पूछा है बी को कितने मिले, तो सबसे पहले इसको मिक्स रेशियो बनाएंगे, पूछा है बी को कितने मिले। तो आपको पिछले लेक्चर में मिक्स रेशियो बताया था कैसे निकालते हैं, ए के नीचे 5, बी के नीचे 4, बी के नीचे 3, सी के नीचे 2, इधर कौन सा नंबर नहीं है 3, तो इधर लिख लो 3, इधर कौन सा है तो 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 12 8, बन गया मिक्स रेशियो सीधा सीधा। अब पूछा है कितने रुपए, 3500 रुपए बराबर कर दो 3500 की, तो टोटल जोड़ो कितना हुआ 8 12 20 15 35, यानी 35 रेशियो का मान आपका है 3500 के बराबर, तो 1 रेशियो कितना आ गया 100 रुपए के बराबर। निकालना किसने कहा बी का, तो बी का मान कितना है 12 रेशियो में, 100 × 12 कितना आ गया 1200।
देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। 2030 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। ये अनुपात रहना चाहिए कब? जब इस पैसे हम 15 रुपए ले लें, इस पैसे हम 10 रुपए ले लें, इस पैसे हम 5 रुपए ले लें। क्लियर है? तो जब भी टोटल रुपए हमें कितने थे हमारे पास 2030 रुपए बांटने के लिए, ये था हमारे पास टोटल अमाउंट। जब भी गाइस छोटे रुपए आ जाए यानी कि छुट्टा चिल्लड़, इनको सबसे छीन लो। जब इनको सबसे आप छीन लोगे तो कितना है ये 30 इसमें से घटा दो तो एक 2000 का नोट सीधा सीधा बन गया। अब सबसे पहले इस 2000 को इस रेशियो में बांट दो, तो बांटोगे 8:5, 15:15, 5:20। 20 रेशियो बराबर 2000 के, 1 रेशियो बराबर 100 के। इधर बांटोगे तो इधर 800 मिल जाएगा, इसे दोगे तो इसे 700 मिल जाएगा, इसे दोगे इसे। अब जिससे हमने जितने रुपए लिए थे वापस कर दो चिल्लर, इससे हमने कितने लिए 15, तो यहाँ 15 ऐड कर देंगे तो इसे कितना मिल जाएगा 815। इसे कितना लिया 10, इसे मिल जाएगा 710। इससे कितना लिया था 5 रुपए, 505 रुपए। बढ़िया, क्लियर? जब भी फुटकर पैसे आ जाए, ऐड करना हो, माइनस करना हो, उनसे हटा दो वहां से। क्लियर है? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि उनके भागों में से क्रम से राम से 4 रुपए, श्याम से 8 रुपए और मोहन से 16 रुपए ले लिए गए। उनमें से 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। जब ये पैसे इनसे ले लिए जाते हैं फुटकर पैसे, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 1:2:3 हो जाता है। तो अब हमें इस पैसे को बांटना है किस रेशियो में, तो वही गाइस बताया था मैंने, ऐड करेंगे 8 4 12 12 16 28। 28 सबसे पहले इसमें से माइनस कर दो आप, कितना बचा 1200 रुपए। अब 1200 को इस रेशियो में बांट दो 1 2 3, यानी 6 रेशियो बराबर 1200 के, 1 रेशियो बराबर 200 के, 200 यहाँ डाल दोगे तो 200 ऐसे मिल गया, 400 ऐसे मिल गया, 600 ऐसे मिल गया। फिर वही कहानी, इनको दे दो फुटकर पैसे, तो इस पे कितना आ गया 204 रुपए, इस पे आ गया 408 रुपए, इस पे आ गया 616 रुपए। ठीक है गाइस, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। कुल मूल्य 200 रुपए है, तो 25 पैसों की संख्या। सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट क्या है। ये आपका 1 रुपए का सिक्का है, ये आपका 50 पैसे का है, ये आपका 25 पैसे का सिक्का है। क्लियर? दिया है 1 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास 1, 4 रुपए के सिक्के कितने हैं 4, 25 पैसे के 4। ये तो सिक्कों का दिखा दिया आता ही है, सिक्के हैं आपके ये, ये कितने सिक्के हैं वो है, कितने सिक्के। अब 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितना रुपए बटा 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितना बटा 2 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना बटा 1 रुपया। टोटल हमें पास यहाँ कितने बैठे 4 रुपए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बटवाए कितने हैं 200 रुपए, हमें बांटने हैं 200 रुपए। अब आप जानते हो रेशियो में रुपए बराबर रुपए रख सकते हैं, तो 4 रेशियो का मान किसके बराबर है 200 के, तो 1 रेशियो का मान किसके बराबर है 50 के। पूछे क्या है 25 पैसे के सिक्के देंगे आप, तो 50 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सिक्के आ गए 200 सिक्के। आप 50 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 सिक्के आपके ये आ गए, यहाँ करोगे तो 50 सिक्के। क्लियर है? यानी कि यहाँ से रिजल्ट निकल गया हमारे पास 1 रुपए के 50 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 200 सिक्के होंगे, 50 के 200 सिक्के, 25 के 200 सिक्के। बढ़िया, टोटल 200 रुपए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखेंगे गाइस दिया है ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर, तो सी का मान क्या होगा। ए बी अनुपात, बी सी समानुपात, एक्स सी स्क्वायर। आप जानते हो फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, ए बी इंटू सी स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू एक्स। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, B से B कट गया, तो x बराबर कितना आ गया AC। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, तो
तो रूड 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूड 6 1 प्लस रूड 3। सॉल्व करेंगे रूड 2 इंटू एक्स, इसको लिख सकता हूं रूड 2 इंटू 3 1 प्लस रूड 3। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूड 3 प्लस 3, यही है एक्स का मान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, एक अनुपात रूट तीन अनुपात दो। यदि सी बराबर 4 हो तो बी का मान क्या होगा? ये एक आपका ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब एंगल यहां 30 होता है तो 1 रूट तीन 2, यानी कि ए बी सी, ए के सामने 1 है बी के सामने रूट तीन भुजा है, ये b बराबर दिया है, ये a बराबर है, ये c बराबर है। अब एक्चुअल में c बराबर यहाँ 2 है लेकिन वहां कितना है 4, यानी कि 2 रेशियो बराबर 4 है तो एक रेशियो में हमारा कितना आ गया 2। निकालना है b का मान, b कितना है रूट 3, तो आंसर आ गया 2 इंटू रूट 3, आंसर है 2 रूट 3। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अपॉन 2 a बटे 2 b बटे 3 बराबर c बटे 5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c बटे b का मान क्या हुआ? इस मान को इस एक्सप्रेशन में डालना है, 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b, a का मान 2 है डाल देंगे 4 इंटू 2 प्लस b का मान 3 है 3 इंटू 3 माइनस c का मान 5 है, b की जगह पे 3। सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 9 माइनस 5 बटे 3 ऐड करेंगे तो 17 माइनस 5 12 बटे 3 कितना आ गया 4, करेक्ट आंसर है 4। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे गाइस दिया है यदि a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन a बराबर 3 हो तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या होगा? तो गाइस आप देख रहे हो इस इक्वेशन में केवल अपने उसने वेरिएबल डाल दिए, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो कट जाएगा, 6 से यहाँ करूँ ये भी कट जाएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मैं करता हूँ अगर बराबर वेरिएबल से तो ये मान कट जाते, तो इसका मतलब इसका ये मान है ना वही रहता है। आप देख रहे हो उसने क्या करा, केवल वेरिएबल का स्क्वायर कर दिया। इस चीज को अगर मैं यूँ लिख दूँ ए बाई बी का होल स्क्वायर तो ये लौट के ये आ जाएगा ना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है, उसने क्या करा अपनी तरफ से 2 घोड़ा इधर भी मार दिया, 2 इधर मार दिया, 2 आपके कट जाएगा 2 से 2, इससे ये क्योंकि सेम वेरिएबल है तो जो दिया है इसका मान जब a अपॉन b बराबर सुनिए दिया है 3, क्योंकि सारे बराबर है तो हम एक वेरिएबल समझा रहा हूँ a अपॉन b बराबर 3, तो हमें निकालना है स्क्वायर का, तो आप देखो यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर का निकालना है तो आप क्या करोगे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, करेक्ट आंसर एक्सप्रेशन से पूरा आ जाएगा 9। अगर यहाँ ये क्यूब कर देता तो हम क्या करते इस वेरिएबल का क्यूब करते, यहाँ भी क्यूब करते फिर आ जाता 27, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9। देखेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 4x माइनस y 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? क्लियर, डालेंगे x बराबर 3 y बराबर 4, इस एक्सप्रेशन में पूछा है तो 4x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 3y, 4 इंटू एक्स का मान डालेंगे 3 माइनस वाई डालेंगे 4, 2 इंटू एक्स डालेंगे 3 प्लस 3 इंटू वाई डालेंगे 4, तो सॉल्व करेंगे 12 माइनस 4 6 और 12 18, आप ये सॉल्व करेंगे तो 8 बटे 18 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, क्लियर है गाइस? ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।